आधी रात में राजस्थान से महाराष्ट्र की ओर गौवंश ले जा रहे तीन ट्रोलों को खंडवा के पलकना गांव में ग्रामीणों ने रोक लिया। ग्रामीणों का आरोप था कि गौवंश की तस्करी की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस के सहयोग से गौवंश की तस्करी होती है। ग्रामीणों ने पहले तो पुलिस को गौवंश वहीं छोड़ने की बात कही, बाद में समझाइश देने पर पुलिस अपने साथ तीनों ट्रक जावर थाने ले गई। से आके महाराष्ट्र माल चले जाता है, जिसमें पुलिस थानों की मिली भगत होती है, इसलिए ये इतना आसान होता है निकालना। हमको कहीं से सूचना मिली, पुलिस की ही मदद से हमने पकड़ा है, हमने अपना सेपरेट नहीं पकड़ा। जावर थाना लगता है क्या वो लोग? ये जावर थाना से हमको डाउट हुआ कि जावर थाने की शायद मिली भगत हो गई, लिपापोती हो गई, इसलिए हमने यहाँ से जानवरों को नहीं छोड़ा और हमने इसी तरह इसीलिए गाँव वालों ने इतना ऑब्जेक्शन लिया। पुलिस के अनुसार देर रात तीनों ट्रोलों में गौवंश भरकर पलकना से होते हुए मुंडवाड़ा की ओर ले जा रहे थे। इस बीच गांव वालों को सूचना मिल गई, उन्होंने रोड पर ट्रोलों को रोकने की कोशिश की। जब वो नहीं रुके तो पथराव किया, तीनों ट्रोलों के चालक वाहन छोड़कर भाग निकले। आसपास के गांव वाले भी हंगामा होने की खबर मिलते मौके पर पहुंचे। हालात काबू में करने के लिए उन्होंने गौवंश ले जा रही गाड़ी कब्जे में ली। इस पर हिंदू संगठन के लोग आक्रोशित हो गए। वो आरोपी ड्राइवर की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। ट्रक आगे नहीं बढ़ सके, इसलिए वो रोड पर धरना देकर बैठ गए। आखिरकार समझाइश के बाद मामला शांत हुआ, पुलिस ने एक ड्राइवर को गिरफ्त में ले लिया। जो ग्राम पलकना है वहाँ पर तीन ट्रक जो मवेशियों से भरा हुआ था, उस पर ग्रामीणों को कुछ सूचना मिली तो उस ट्रक को रोका गया था। इस पर रोकने पे पाया कि वहाँ पर उस ट्रक में मवेशी भरे हुए थे व्यवस्थित तरीके से। इसी दौरान उस ट्रक के जो ड्राइवर थे वो ट्रक को छोड़ के भाग चुके थे। मौके पर तत्काल थाना जावर की टीम, थाना कोतवाली, थाना मुगट की टीम पहुँची थी और जो गाँव जो ग्रामीण जन थे उनसे संवाद किया गया और मवेशियों और ट्रक को सफलतापूर्वक थाने में ले जाया गया। अभी अज्ञात लोगों के खिलाफ गोवंश के तहत और जो पशु क्रूरता जो अधिनियम उसके तहत अपराध पंजीकृत किया जाएगा और इस मामले में पूरी तरीके से जांच की जा रही है। कुल तीन ट्रक अभी जो हमारे संज्ञान में आए हैं, अभी उसकी जानकारी प्राप्त हुई। अगर अन्य कोई ट्रक होंगे तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। सर कोई सांप्रदायिक स्थिति बनी थी या कुछ? नहीं, ऐसी कोई संप्रदाय की स्थिति नहीं बनी थी, पूरा माहौल शांतिपूर्ण है और जो आम जन थे, जो ग्रामीण जन थे, उन्होंने भी पुलिस और प्रशासन का पूरा सहयोग किया। इधर घटना की जानकारी मिलते ही नगर पुलिस अधीक्षक ललित गठरे एवं शहर के तीनों थानों के TI सहित जावर थाने की पुलिस मय बल के साथ मौके पर पहुंच गए। हालात काबू में करने के लिए उन्होंने गौवंश ले जा रही गाड़ी कब्जे में ली। इस पर हिंदू संगठन के लोग आक्रोशित हो गए। वो आरोपी ड्राइवर की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। ट्रक आगे नहीं बढ़ सके, इसीलिए वो रोड पर धरना देकर बैठ गए। आखिरकार समझाइश के बाद मामला शांत हुआ, पुलिस ने एक ड्राइवर को गिरफ्त में ले लिया। पथराव से ट्रोलों के कांच फूट चुके थे। ट्रोलों को जावर थाने ले जाया गया है। गौवंश को जब्त कर उन्हें गौशाला भेजा जाएगा। दोनों गाड़ी राजस्थान की है। पुलिस ने दोनों ड्राइवरों को हिरासत में ले लिया है। उन्होंने पूछताछ में बताया कि खेती के लिए मवेशी ले जा रहे थे। खंडवा से निशात सिद्दकी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।